दोस्तों चाइना में कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। पिछले 48 आवर्स में 10,000 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है और जितने भी हाई स्पीड ट्रेन्स था उसके बुकिंग को भी कैंसिल कर दिया गया है। पूरा बीजिंग को चाइनीज मिलिट्री ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों चाइना के प्रेसिडेंट के ऊपर चाइना के लोगों का गुस्सा कुछ दिनों से बढ़ते ही जा रहा था, क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए चाइना के लोगों को पूरी तरीके से घर पे बंद कर दिया। उसके बाद बैंक्स को कंट्रोल करके चाइना के लोगों के पास जितना भी पैसा था उसको भी जब्त कर लिया इन्वेस्टमेंट के नाम पर। फॉरेन कंपनीज जो कि चाइना में अपना बिजनेस चलाता था आज एक के बाद एक चाइना से निकलकर भारत, वियतनाम और फिलीपींस में जा रहा है और इसकी वजह से वहां पे बहुत लोगों के पास काम नहीं है और चाइना के इकोनॉमी का हालत भी खराब हो रहा है और इन सब की वजह से चाइना के लोग चाइना के प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत ही गुस्से में है।